है, वो कहाँ है, उसके अंदर क्या अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बैड है. सो वी जस्ट हैव टू गो थ्रू कि हमने इनको आंसर करना कैसे होता है. जितनी आपकी पार्ट वन की स्पीकिंग है वो इससे बियॉन्ड कहीं नहीं जा रही. सो आप क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जांपल देखते हैं. व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट इट. एक बात याद रखनी है, इफ ही यूजेस द वर्ड लाइक तो आंसर के अंदर आप लाइक को रिपीट नहीं करेंगे, आप लव यूज कर लें, आप प्रेफर यूज कर लें, आप कुछ भी और वर्ड यूज, आई एंजॉय ये यूज कर लें. व्हाट डू यू नॉट लाइक, नॉट लाइक को डिसलाइक बोल लें, आप उसको नॉट प्रेफर लिख लें. आई डू नॉट टेक इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंथ्यूजियस्टिक अबाउट, आई एम नॉट कीन ऑन. कीन ऑन इज अ वेरी गुड वर्ड. कीन ऑन होता है किसी चीज का शौकीन होना. Fond of, ये वाले वर्ड्स आपने यूज करने. कभी भी आपने सवाल को रिपीट नहीं करना. जो सवाल उसने पूछा, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट, और आप कहते हैं आई लाइक अबाउट इट दैट. ठीक है, आई लाइक, उसके सवाल से आपने जवाब नहीं स्टार्ट करना. यू विल स्टार्ट द आंसर फ्रॉम द आंसर. आप उसका जवाब है क्या. For example, you say, he asks you, what do you like about it? You would say, I am basically living in an agricultural area and the most important thing in my hometown is the vegetation. I am very keen on, or I am very enthusiastic about the greenery and the lush green field and the vegetation around me. ठीक, आप एक वेजिटेटेड एरिया के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो आपका कंट्री है चाहे होम टाउन है, तो प्लीज उसको एड अप कर लें. हाउ इम्पोर्टेंट इज योर होम टाउन. कोई इसके अंदर दूसरी राय नहीं होती, दैट माय होम टाउन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. इसके अंदर जो चीज आपने शो करनी होती है वो होती है आपका बिलोंगिंगनेस शो करनी होती है, यानी आपका कितना अच्छा ताल्लुक है. You will be definitely giving ideas that my hometown is very important because my family is living over there and I am very much into, or I because I'm in love with my family, so I have my own memories over here. I have spent a lot of time over here. I have spent a long life over here, so definitely my hometown is important for me. Is worthy for me, is worthwhile for me. उसके बाद do you think that you will continue to live in your hometown? अभी आपके आने से पहले भी मैं ये बता रही थी, कभी भी आपने कोई negative argument नहीं देनी. You will definitely say yes, I would definitely love to continuing living here, as I have told that I have my own connections over here. That is my family, my friends, and the place I have been living, so I would definitely love to live here for long. Let's move on to talk about the accommodation. Accommodations hoti kya hai? Accommodation hum kehte hain rahayish ko. Rahayishein kya kya hoti hain? Rahayish ek flat ho sakta hai. Type of accommodation bhi aapse puchega, puch sakta hai. Like kya type of accommodation aapki? It can be a bungalow. आपका घर कैसा है ये अब आपको पता है, और इसके अंदर अगेन झूठ सच कुछ नहीं होता. इट कैन बी अ कन्वेंशनल हाउस, यानी ट्रेडिशनल हाउस. तो जैसी भी आपकी अकोमोडेशन है, अपार्टमेंट में आप लिव कर रहे हैं, आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, आप किसी वो क्या होता है हॉस्टल में रह रहे हैं, तो ये वाली डिटेल्स देनी होती है. ओके, टेल मी अबाउट द काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू लिव. आप किस तरह की अकोमोडेशन में रहते हैं ये बताना है. तो टाइप ऑफ अकोमोडेशन तो आपको ही बताओगे, आप क्या बताना चाह रहे हैं. बेशक गप मारें, लेकिन आपको बतानी पड़ेगी कि मैं इस तरह की. आप सिंपली कह सकते हैं आई एम लिविंग इन अ ट्रेडिशनल हाउस विच इज वेरी एयरी एंड वास्ट वन. सिंपल छोटा सा आंसर है. Does the place you live in have many amenities? Amenities होती हैं facilities, right? So facilities आपने बतानी है इस सवाल के अंदर, क्या क्या है आपकी जगह के ऊपर. Is there anything you would like to change about the place you live in? आप अपनी उस accommodation के बारे में क्या change करना चाहेंगे,
आप चाहें तो उसे कहें कि नहीं मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये जिस फॉर्म में है उसी में पसंद है। आप चाहें तो आप कह दें कि उसका फ्लां एरिया जो है उसके ऊपर मैं वर्क करना चाह रहा हूँ, मैं एक गार्डन इसके अंदर बनाना चाह रहा हूँ, या मैं एक बेल्कनी बनाना चाह रहा हूँ, या मैं इसकी रूफ टॉप को डेकोर करना चाह रहा हूँ, या मैं अपने रूम को रेनोवेट करना चाह रहा हूँ, कुछ भी आप उसके अंदर कहें, ये आपकी अपनी मर्जी है। डू यू प्लान टू लिव देयर फॉर अ लॉन्ग, डेफिनेटली इसका बात हम पहले कर चुके हैं। व्हाट इज योर कंट्री फेमस फॉर, मुल्क आपका किस चीज के लिए मशहूर है। अभी दो मिनट पहले वी वर थिंकिंग अबाउट कि पाकिस्तान किस चीज के लिए मशहूर है, एग्रीकल्चर के लिए और इसके साइट सीइंग जो प्लेसेस हैं और द टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले वर्ड यूज करें। उसके बाद वेयर डू यू लिव इन योर कंट्री, आप यहाँ पर बताएं आप किस रीजन में रह रहे हैं, आपका सिटी कौन सा है, इज इट इंटरेस्टिंग प्लेस टू लिव, डेफिनेटली आप अपने मुल्क को सपोर्ट ही करेंगे, आप बताएंगे कि इसके अंदर रहना बहुत, इसके अंदर आप वेदर पे जा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फोर सीजन होते हैं, सो आई रियली लव and enjoy the four seasons. I have seen that in other countries there are only one or two seasons. So Pakistan is rich in the seasonal, we may say, the variation. Definitely. लेकिन ये negative बातें आपने वहाँ कहनी नहीं है कि यहाँ पे lawlessness है, easy है। हाँ ये आप कह सकते हैं that this is a very peaceful country. Okay? Peaceful से मुराद ये है, definite बात है, आप चाहे जो भी कहें but पाकिस्तान के अंदर क्राइम का वो सीन नहीं है जो बाहर के ममालिक के अंदर सीन है, और जो वहां पे क्राइम इतना ही ज्यादा है जितनी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज है। ओके, हाउ इज द वेदर टूडे, आज कैसा मौसम है, वेदर के अंदर आपने इसको अगर हॉट वेदर होगा उसे कैसे डिस्क्राइब करना है, ये आपने रिसर्च कर लेनी है। अगर वेदर लाइक रेनी है, वो क्लाउडी है, वो कोल्ड है, तीन चार टाइप्स के वेदर की डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने पहले से तैयार रखनी है कि इस वेदर को ऐसा डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्योंकि वेदर कैसा भी हो सकता है, कैन बी हॉट एंड ह्यूमिड, इट कैन बी द रेनी, इट कैन बी द कोल्ड वेदर, इट कैन बी द हॉट स्वेल्टरिंग वेदर, इट कैन बी अ नॉर्मल प्लेजेंट डे, ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज व्हाट्स योर फेवरेट काइंड ऑफ वेदर, ये आपने खुद ही बताना है, जो भी आप वेदर बताएंगे उसके रीजन बताएंगे वो आपका फेवरेट क्यों है, इसके अंदर रीजन क्या है। व्हाट्स द क्लाइमेट लाइक इन योर कंट्री, इसके अंदर आप डेफिनेटली क्लाइमेट यही बताएंगे, द क्लाइमेट ऑफ माई कंट्री इज क्वाइट गुड, अर्लियर इट यूज्ड टू हैव द it was less intense, but with the passage of time the climate of Pakistan is also getting intense as it is happening globally, kyunki puri duniya ka climate change ho raha hai to Pakistan ka climate bhi definitely change ho raha hai. Does the weather affect people's lives in your country? Bilkul affect karta hai, logon ki zindagiyon pe office jana mushkil ho jata hai, farz kare ki barish aandhi aa jati hai to phir hamare liye manage karna mushkil ho jata hai, garmiyon ki लाइफ स्टाइल और होता है, सर्दियों का लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर चार सीजन है इसलिए वेदर के अकॉर्डिंगली लाइफ इफेक्ट होती है। डू पीपल चेंज इन द समर, आपके ख्याल में समर में लोग बदल जाते हैं, ये बड़ा डिफरेंट सा सवाल है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि हाँ ऐसा होता है, कुछ लोग समर में बदल जाते हैं, बदलने से मुराद ये है कि कुछ लोगों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो गर्मी की हिद्दत को बर्दाश्त कर सके, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं या वो बहुत ज्यादा उनके अंदर एंगर जो है वो जन्म ले लेती है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर विद द पीपल बिकम्स रूड देन नॉर्मली, बट देयर आर सम अदर पीपल हु कैन मैनेज इट इजीली, उनके लिए फेदर्स मैटर नहीं करते। डस बैड वेदर, ऐसे जो सवाल होते हैं ना जिनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, तो वो आप कह सकते हैं कि इट वेरीज और इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, और इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, it varies upon it depends upon the personality of the person instead of the season that how it is affecting people. Does bad weather ever affect transport in your country? Bilkul karta hai. Uske baad aa jata hai work, do you have a job right now? Ye un logon ke liye jinke paas job hai, do you enjoy your job, what responsibilities do you have at work? Simple answers on ki what is your typical day like at work, कैसे स्टार्ट करते हैं, यानी मैं इतने बजे पहुंचता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा बड़ा मसरूफ दिन होता है,
ब्रेक होता है, लंच होता है, नमाज वगैरह पढ़ता हूँ शाम को। ये आप लोगों से स्टूडेंट से नहीं पूछेगा, ये वर्क वीजे वालों से पूछ सकते हैं इफ दे वुड बी वर्किंग। वो पूछेगा कि आप कोई काम करते हैं या नहीं करते। अगर ये कहेंगे हम कोई जॉब नहीं कर रहे तो वो जॉब से रिलेटेड कोई सवाल नहीं करेंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर वो कहेगा कि मैं जॉब करता हूँ, जैसे मैं गई थी तो हालांकि मेरा एकेडेमिक टेस्ट था तो मैंने कहा कि यस आई एम डूइंग अ जॉब, तो उसने सारे क्वेश्चन मुझे जॉब से रिलेटेड पूछे थे, क्या जॉब करती हो, कैसे जाती हो, कैसे आती हो, गाड़ी खुद ड्राइव करती हो, नॉर्मली किस टाइम नॉर्मली। हाँ, पहला, तीसरा या चौथा सवाल आपसे यही पूछेगी, डू यू वर्क और स्टडी, तो आप कहेंगे आई स्टडी, ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं वॉलंटियर वर्क्स, हैव यू एवर वर्क्ड बिफोर, क्या आपने कभी पहले वॉलंटियर वर्क किया है। वॉलंटियर वर्क होता है कि आपने कभी खिदमत खल्का काम किया है, किया है तो बताएं, नहीं किया तो ना बताएं, नहीं किया और आप बताना चाह रहे हैं कि मैंने किया तो भी ठीक है, आपने किया था और आप नहीं बताना चाह रहे कि मैंने नहीं किया तो भी ठीक है, इट डज नो मैटर एट ऑल। आपकी अपनी लाइफ, आप चाहें तो उसे बताएं, चाहें तो ना बताएं, दैट डज नो मैटर एट ऑल। सिर्फ अंग्रेजी दुरुस्त होनी चाहिए, जो जवाब आप दे रहे हैं उसकी अंग्रेजी दुरुस्त होगी तो आप समझेंगे आपकी स्पीकिंग ठीक है। What was your first day at work like? What responsibility did you have at work? What was your typical day like? ये इसको छोड़ देते हैं, ओके जी। आगे आ जाते हैं हम जनाब होम टाउन पे, कैन यू टेल मी अगेन, होम टाउन पे क्वेश्चन है अबाउट योर होम टाउन, हाउ हैज योर होम टाउन चेंज ओवर द टाइम। यस, इसके अंदर आप प्रोग्रेस बताएंगे कि आपके होम टाउन के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी प्रोग्रेस हुई है और क्या क्या चीजें नई आई हैं, पहले क्या नहीं था और अब क्या आ गया है। सिंपली इट्स प्रोग्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ द शॉपिंग मॉल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नाउ देयर आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स अवेलेबल हियर, फ्रॉम इवन फॉर द यूनिवर्सिटी क्लासेस व्हिच वाज नॉट अर्लियर अवेलेबल हियर इन माय होम टाउन। इज देयर एनी वे योर होम टाउन कुड बी मेड बेटर, क्या इसका बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, आप बताएं जी मेरे होम टाउन के अंदर एक अदद यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन का ऐसा इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए कि हमारे बच्चों को फार ऑफ एरियाज में जाके स्टडीज ना करनी पड़े। आर देयर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स टू योर होम टाउन, ये भी डिपेंड्स अपॉन द एरियाज वेयर टू गो, द ट्रांसपोर्टेशन इज डिपेंडेड अपॉन, इफ यू हैव टू मूव टू सम मेजर सिटी यस देयर आर पर्टिकुलर good transportations available, but if you have to move to some minor road, the smaller city, then it seems difficult and the transportation is not good. What kind of jobs do the people in your hometown do? Ab ye bada different sawal, again wahi wali baat, maine kaha tha ki jis sawal ka jawab lage ki lehone tak hi jawab ho sakta hai, kis tarah ke jobs karte hain, to aap kahenge there are multiple types of jobs, mostly people are living abroad, but the people who are living here in Pakistan, they are doing mostly agriculture and they are taking care of they are having cattle farming, agriculture, and some people have certain kind of businesses, that's all. Bahut zyada jobians, ya aap iske andar ye bhi mention kar sakte hain, the most of the people are lawyer and judges, because mandi pahotin is the area where mostly CSPs and baat iske jawab yahi hai ki zyada tar log to bahar rehte hain, lekin jo yahan rehte hain wo ya to किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर बिजनेस करते हैं, मोस्टली कॉमन पीपल। डू यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अपने आपने बात बतानी है या नहीं। हाँ, यहाँ पे एक अच्छी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पर यूज कर सकते हैं आई एम एन इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, ये वाले वर्ड्स यूज कर ले तो आप दोस्तियां कम करते होंगे। अगर आप एक्सट्रोवर्ट होंगे तो आप दोस्तियां ज्यादा करते होंगे, यानी इंट्रोवर्ट वो बंदा होता है जो शेयरिंग नहीं करता। तो यू कैन टेल यस नो आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई डोंट लव टू स्पेंड टू मच टाइम विद द पीपल, सो आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव ओनली वन फ्रेंड। इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, यस आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड आई लव टू कम्युनिकेट विद द पीपल अराउंड, सो वेयर एवर आई गो आई मेक फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स अराउंड मी। Extrovert. Who is your best friend and why? बिल्कुल सिंपली आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का बताना है, आपका बड्डी जो भी है, हर बंदे का एक बड्डी जरूर होता है, आपका कजन हो सकता है, क्लास वाले हो सकता है, कोई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, एंड वाई ये बताना है। वाई के अंदर आप सिंपली बता सकते हैं दैट वी बोथ हैव अ वेरी गुड इंटीमेसी एंड बोथ ऑफ अस हैव
the same mindset. That's why we love to spend time with each other. Who would you most like to be friends with and why? किस तरह के लोगों को आप friends बनाना चाहेंगे? ये आपने खुद define करना है. आपकी अपना एक वो एक standard होगा कि मैं इस तरह के बंदों को बना सकता हूँ. For example, आप कहें कि the most my अगर मैं कहूँगी तो I would say that I would like to have friendship with the most literate and scholastic people. I am the person who cannot live and stay with the less intelligent and normal वो क्या होती है mental capabilities, a person with the normal or below average capabilities. It seems difficult for me to have friendship with such people. आपने अपनी मर्जी आप कहें मुझे नॉर्मल सादा सिंपल लोग पसंद हैं, मुझे खिलाड़ी पसंद हैं, मुझे जैसे भी आप उसको प्रेफर करना चाहिए. What kind of person can you make friends with easily? किस तरह के लोगों के साथ आप इजीली फ्रेंडशिप कर लेते हैं? इसके अंदर आप एक जनरल आंसर भी बना सकते हैं कि मैं सिर्फ ऐसे ही लोगों के साथ बैठ सकता हूँ जिनका माइंडसेट मेरे साथ मैच करता होगा और जो मुझे अंडरस्टैंड करते होंगे उनके साथ मैं फ्रेंडशिप कर सकता हूँ. द पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड मी और हुज माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी और इज वेरिएंट फ्रॉम मी, आई वॉन्ट बी एबल टू हैव फ्रेंडशिप्स विद सच अ पीपल, सच काइंड ऑफ पीपल. या एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि मैं फसी लोगों के साथ नहीं, जैसे मैं हूँ, आई कैंट वर्क विद द फसी ग्रीडी एंड लॉयर्स, लायर्स नॉट लॉयर्स, लायर्स. The person who does not tell truths or creates mess in the society, I won't be able to have friendships with such kind of people. Okay, which is more important to you, friends or family? इसमें हमेशा आप family को कहा करें. That gives a very positive impact. Yes, friends are also important, but family comes first and on the secondary level. Definitely, my friends are like my family as well. स्पीकिंग पार्ट सिक्स आ जाएगा, हाई स्कूल एंड होम टाउन. होम टाउन को हम स्किप कर देंगे, बहुत बात होगी होम टाउन के ऊपर. हम बल्कि इसको यहाँ से कट डाउन ही कर देते हैं ताकि ये ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी. हु वॉज योर फर्स्ट टीचर इन हाई स्कूल? किसी भी टीचर को आप आइडियलाइज करके रखे, इमेजिन करके रखे पहले से कि मैं मुझे मुझसे अगर उसने ये सवाल पूछा तो मैं फला ही टीचर का जिक्र करूंगा और उसकी एक आधी पर्टिकुलर औसाफ भी आपको बताना चाहिए, वो आपको क्यों पसंद था. डू यू स्टिल कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स फ्रॉम द हाई स्कूल? अगर आपका रिश्ता है तो बताएं, नहीं है तो ना बताएं. डू यू मिस योर लाइफ इन हाई स्कूल? यस, आई ऑलवेज मिस माई लाइफ एट हाई स्कूल बिकॉज दैट वॉज द पीरियड ऑफ ईजीनेस एंड प्लेजर. We used to roam around and have fun all the day. There were less responsibilities at that time. That was the golden period of my life. Mere liye to wahi hai, baaki ka mujhe nahi pata. Okay ji, what do you do in your free time? Aap apne farigh waqt mein kya karte hain? Kisi game ka naam bataein, kitabein padhna bataein, family ke sath baith ke chit chat karein, friends ke sath time spend karte hain, jo bhi aap karte ho wo bataein. Do you have a busy social life? क्या आपकी busy social life है? अगर आप introvert होंगे तो आपकी busy social life नहीं हो सकती. अगर आप extrovert होंगे तो definitely आपकी busy social life होगी. और social life से मुराद ये कि I love to help people around me. Most of the time I am doing works for any whenever anybody will need help from me, I would be definitely there. Do you lead an active life? बिल्कुल active life हम सारे के सारे गुजार रहे हैं. इसमें आपने negative कभी भी नहीं जाना. ये नहीं बताना मैं lazy person हूँ, lazy buffer नहीं हूँ. हाँ आप ये कह सकते हैं कि I hate lazy buffer. I am a very active person and I love to do all the works myself. I prefer to spend most of my time in positive and constructive activities. ताकि आपका जो point of view वो positive जाए. Has your life changed much in the last year? Yes. हर बंदे की जिंदगी change होती है. इसके अंदर एक बड़ी अच्छी statement है. अच्छा ये record भी हो रही है तो ये लोगों तक भी पहुंचेगी. That change is the only permanent thing in the world. दुनिया में जो सबसे permanent चीज है वो change है. So definitely I have also changed over the period of time. 1 year ago, I was not that responsible and I was not concerned about my career. But now I am doing all my efforts to build my career and I am getting more responsible with the passage of time.
ओके जी, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट योर लाइफस्टाइल? अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहेंगे ये अब आपने खुद ही डिटरमिन करना है और मुझे रिकॉर्ड करके भेजना है. डू यू वर्क राइट नाउ? क्या आप अभी काम करते हैं? नहीं, हम ये वाला भी यहाँ से निकाल देते हैं, ये सिर्फ हम वर्क वीजा वालों को करवाया करेंगे. आपने असद इसका आंसर बताना है. नो, आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ. आई वॉज वर्किंग अर्लियर बट आई हैव लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई एम गोइंग टू परस्यू माई करियर इन अब्रॉड. Do you get on well with your co-workers? Yes, I am very easy with my co-workers because I am a very social person and an extrovert. I'm very friendly and get very easily involved with my co-workers. What responsibilities do you have at work? Since I'm not doing any job right now, so right now I have no responsibilities, but earlier I was working on the in the army, so I was doing all the tasks assigned by my कमांडोज और मेजर और जो भी आपका वो होता है. आर देयर गुड वर्क अपॉर्चुनिटीज इन योर होम कंट्री? यस, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टार्टिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक लेवल टू द हाईएस्ट लेवल. देयर आर लॉट ऑफ वर्क स्पेसेस अवेलेबल इन माय कंट्री. ऑल्दो वी आर राइट नाउ गोइंग थ्रू द बैड टाइम इन माय कंट्री, येट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क ओवर एंड टू लिव. Definitely. That's all for today. ये आपका part one speaking के 58 questions हुए और कल हम अगले 58 और उससे अगले दिन हम अगले 58 करेंगे. And in this way you will be able to do how you will have to make your part one answers. By the way, अगर आप ये वाले questions कर लें, जितने 200-250 questions हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि examiner आपसे कोई सवाल करे और आपको जवाब ना आता. Right? Part one, two, three. और सवाल कर सकते हैं.